डायबिटीज अपने आप में एक घातक रोग है, लेकिन यह अपने साथ और भी कई रोगों को निमंत्रण दे सकता है, जिसमें से एक है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी नसों से संबंधित रोग है। यह डायबिटीज के मरीजों में सामान्य रूप से पाया जाता है। रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक होने की वजह से नसें क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। सामान्यतः यह पैरों और पंजों को अधिक प्रभावित करता है, लेकिन यह पूरे शरीर की नसों को क्षति पहुंचा सकता है। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखकर एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इससे बचा जा सकता है। इन लक्षणों पर ध्यान दें। इसके लक्षण डायबिटीज के प्रकार और क्षतिग्रस्त नसों पर निर्भर करते हैं। पैर और पंजे सुन पड़ जाना, पाचन तंत्र बिगड़ना, मूत्र त्याग करने मुश्किल होना, रक्त वाहिकाओं या हृदय में किसी तरह की परेशानी होना, दर्द महसूस करने की क्षमता कम होना, झुंझनी या जलन होना, ऐंठन, वजन कम होना, पैरों में कोई गंभीर समस्या या संक्रमण, हड्डी और जोड़ों में दर्द होना। कुछ लोगों में स्पर्श की संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है, जैसे चादर का भार भी उनके लिए दर्ददायक हो सकता है। न्यूरोपैथी के प्रकार। यह मुख्यतः चार प्रकार की होती है। मरीज को एक समय पर एक या एक से अधिक प्रकार की डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। नंबर एक, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सामान्य तौर पर यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह पंजों और पैर पर पहले असर करता है, इसके बाद हाथ और कंधों पर। नंबर दो, प्रोक्सिमल न्यूरोपैथी। इसे डायबिटिक एमियोट्रोफी भी कहते हैं। इसमें मयो शब्द का अर्थ होता है मांसपेशी। इसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। पैरों की ऊपरी मांसपेशी और नितंब की मांसपेशी पर असर होता है। नंबर तीन, ऑटोमेटिक न्यूरोपैथी। शरीर में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, भोजन पचाना। यह सभी कार्य स्वचालित तंत्रिका तंत्र से क्रियान्वित होते हैं। इस तंत्र की न्यूरोपैथी अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि यह शरीर के अधिकतर भागों पर असर करती है। नंबर चार, फोकल न्यूरोपैथी। उपरोक्त सभी प्रकार की डायबिटिक न्यूरोपैथी पॉली न्यूरोपैथी के प्रकार हैं। पॉली का अर्थ होता है कि वह एक से अधिक नसों को प्रभावित करते हैं। वही फोकल न्यूरोपैथी किसी विशिष्ट तंत्रिका को प्रभावित करती है। इसे मोनो न्यूरोपैथी भी कहा जाता है। यह अचानक होती है और अधिकतर दिमाग में मौजूद उस नस को प्रभावित करती है जो आंखों तक जाती है। यह धड़ और पैरों की नसों पर भी असर कर सकती है। किसको यह होने की संभावना होती है? नंबर एक, लंबे समय से डायबिटिक होने से इसकी आशंका बढ़ जाती है, खासकर जब ब्लड शुगर नियंत्रण में न हो। नंबर दो, अगर BMI 24 से अधिक हो तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के खतरे को बढ़ाता है। नंबर तीन,
धूम्रपान धमनियों को सिकुड़ता है और कठोर बनाता है। इस कारण पैरों में रक्त का संचार कम होता जाता है, जिससे पैरों की नसों में हुए घावों को भर पाना मुश्किल हो जाता है। बचाव के तरीके। रक्त में शुगर के स्तर पर कठोर नियंत्रण रखें। वर्ष में 2 बार HbA1c टेस्ट करवाएं। यह रक्त जांच पिछले 2-3 महीनों में ब्लड शुगर के स्तर को दर्शाती है। पैरों में होने वाली समस्याएं जो अधिक समय से बनी हुई हो तो पैरों की धमनियों के लिए अल्ट्रासाउंड डॉपलर परीक्षण जरूरी है। पैदल चलें, चलने से शरीर में रक्त संचार दुरुस्त रहता है।